नमस्कार, मैं संदीप सर। आज हम लोग एक अलग प्रश्न के साथ में आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है आप लोगों का, बेसिकली हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन से। और इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने जो आए हुए हैं यूपीएससी में, उनको डिस्कस किया। आप चाहे तो पिछले वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। इसी क्रम में, इसी सीरीज में हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर वेरियस टाइप्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ध्यान दें, वो यह है कि व्हाई आर अ सडन स्प्रट इन द फेमाइन इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी। गिव द रीजन व्हाई वाज देयर अ सडन स्प्रेड इन द फेमाइन इन कॉलोनियल इंडिया सिंस मिड 18th सेंचुरी। औपनिवेशिक भारत की 8वीं शताब्दी के मध्य क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है? मतलब यह बोल यह रहा है, क्वेश्चन यह बता रहा है कि फेमाइन यानी अकाल अचानक भारत में मिड 18th सेंचुरी का मतलब 750 के बाद लगभग, मतलब थोड़ा बहुत आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद अचानक इसमें इतना राइज क्यों हो गया, इसका रीजन हम लोग को देना। ठीक है, आपको पता ही है मिड 17th सेंचुरी के बाद भारत में एक तरह से कहा जाए ना, इंपोलिस्टिक रूल एस्टेब्लिश हो गया, यानी ब्रिटिश शासन, औपनिवेशिक शासन की शुरुआत। ऐसे क्वेश्चंस को लिखने से पहले, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक इंट्रोडक्शन जरूरी है, यहां पर इंट्रोडक्शन लिखते वक्त कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखें। पहला बात कि जो मेन बातें हैं, जो क्वेश्चन की मेन बातें हैं, वो इंट्रोडक्शन में दिखनी चाहिए। किस किस बात को हम लोग यहां पर मेन मानेंगे, जरा देखा जाए। मेन बात है फेमाइन, एक तो मेन बात ये है। दूसरा है कॉलोनियल इंडिया यानी औपनिवेशिक शासन, एक अकाल और एक औपनिवेशिक शासन, और एक है मिड 18th सेंचुरी में अचानक वृद्धि, अचानक जो सडन ग्रोथ हो गया, इंक्रीज हो गया इन द फेमाइन। तीन बड़ी बातें, एक फेमाइन, एक कॉलोनियल रूल का समय, अचानक वृद्धि, तीन बातें इसमें आई। तो ऐसे क्वेश्चंस को लिखने में हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग एक पहला पार्ट बना लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। आप पार्ट, जब आप आंसर लिख रहे हो तो पार्ट मत लिखना एग्जामिनेशन हॉल में, केवल पैराग्राफ। यहां पर मेरा पार्ट का मतलब पैराग्राफ है। तो फर्स्ट पैराग्राफ एक इंट्रोडक्शन या परिचय मान सकते हैं, इंट्रो या परिचय क्या है जरा देखा जाए। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया है इंट्रोडक्शन, ताकि आपको आसानी। कैसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन, आप चाहे तो इससे अच्छा भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। देखिए क्या है, अकाल भुखमरी की अवस्था है। ध्यान रखिए अकाल क्या है, भुखमरी की अवस्था है। इसके अंतर्गत खाद्यान्न संकट, मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी आदि तत्वों की प्रधानता रहती है। किसकी प्रधानता रहती है, खाद्यान्न संकट, मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी की प्रधानता रहती है। यह भौगोलिक कारणों से कम तथा राजनीतिक प्रशासनिक कारणों से ज्यादा संबद्ध होता है। ठीक है, इसको एक बार इंग्लिश में भी पहले पढ़ लेते हैं। फेमाइन इज द स्टेट ऑफ साल, है ना, स्टार्वेशन, भुखमरी की समस्या है, भुखमरी का एक ग्रोह है। फेमाइन इज ए स्टेट ऑफ स्टार्वेशन अंडर विच एलिमेंट लाइक फूड क्राइसिस, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल। ये सब चीजें इसमें प्रिवेल करती है। इट इज लेस ड्यू टू ज्योग्राफिकल रीजन एंड मोर ड्यू टू पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। यानी यहां पर आपने एग्जामिनर को यह बताया कि जो फेमाइन है वो क्या है, इसके अंतर्गत, इसके अंडर में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया कि भौगोलिक कारणों से कम, ज्योग्राफिकल रीजन से कम फेमाइन आता है, ज्यादा किससे आता है, प्रशासनिक और राजनीतिक कारण से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, कई बार हमें लगता है फेमाइन मतलब सूखा पड़ गया, ड्राफ्ट पड़ गया एक लंबे समय काल तक, और क्या हुआ, फूड ग्रेन कल्टीवेशन सही से नहीं हो पाया और फेमाइन आ गया, यानी कि अकाल आ गया। यदि ऐसा होता तो सऊदी अरब या कहीं और अदर कंट्रीज में, वहां पर तो एकदम मानसून वगैरह है, तब तो वहां पर हर साल फेमाइन आना चाहिए। तो देखिए ये बात सही है कि इंडिया एक एग्रीगेरियन सोसाइटी है, एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। वाजिब है वर्षा का, बारिश का, मानसून का एक मेजर रोल है इन इंडियन सिनेरियो, और यदि बारिश नहीं होगी तो वो अफेक्ट करेगा, फूड क्राइसिस को जन्म देगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है, वो यह है कि फेमाइन जो है वह रिजल्ट बहुत कम एसोसिएटेड होता है विथ
ज्योग्राफिकल फेनोमेना, ये बेसिकली ज्यादा रिलेट होता है किससे, ड्यू टू पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, प्रशासनिक और राजनीतिक कारण से ज्यादा संबंध होता है। क्यों? क्योंकि अच्छे प्रशासक या अच्छे राजनीतिज्ञ जो देश चला रहे होते हैं, यदि वो देश अच्छे से चलाए तो किसी भी तरह से फेमाइन कभी भी आ नहीं सकता, यदि आए तो उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होगा, रिलीफ जनता को मिलेगा और जनता उससे बाहर निकलेगी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें, जैसा मैंने आपसे कहा उसको समझे। तो पहले पार्ट में आपने ऐसा लिखा और इसी पार्ट को, इंट्रोडक्शन पार्ट को आप थोड़ा देर के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे ध्यान दें इसी को थोड़ा सा, और इंट्रोडक्शन को मैंने थोड़ा और लेंथी बनाया है ताकि जो पूरा पार्ट है, क्योंकि आपने फेमाइन तो बता दिया कि कैसे हो सक क्या है और कैसे आता है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, कॉलोनियल रूल और मिड 18th सेंचुरी में क्यों इसकी वृद्धि हुई, तो जरा इसको भी देखते हैं। पलासी बक्सर तथा अन्य युद्ध तथा रणनीतियों के माध्यम से जहां एक और अंग्रेजों ने औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना कर दी है ना, पलासी और बक्सर तथा अन्य युद्ध और अन्य रणनीति के द्वारा क्या हुआ, जहां अंग्रेजों ने अपनी सत्ता की, औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना कर दी, उसके साथ साथ अकाल की बारंबारता में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई। बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई। अब बोलने से काम नहीं चलेगा, प्रूव करना होगा कैसे, जहां 11th सेंचुरी 11वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के मध्य केवल 14 बार अकाल पड़े, वहीं औपनिवेशिक शासन के दौरान 16 बार अकाल पड़े। ठीक है, यानी इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है, व्हाइल द ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड कॉलोनियल पावर थ्रू प्लासी एंड बक्सर एंड अदर वॉर एंड स्ट्रेटजी, देयर वॉज ऑल्सो एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द सिवियरिटी ऑफ द फेमाइन। इसके साथ क्या हुआ, सिवियरिटी ऑफ द फेमाइन भी इंक्रीज किया। ठीक है, सच एज वेयर फेमाइन अकर ओनली 14 टाइम्स बिटवीन द 11th एंड 18th सेंचुरी, यानी सच एज हम लोगों ने कहा जैसे फेमाइन जो था वह 11th एंड 18th सेंचुरी के बीच में ओनली 14 टाइम्स हुआ, इन द सेम कॉलोनियल रूल फेमाइन अकर 16 टाइम्स, यानी कि 16 बार ये फेमाइन हुआ। तो इस ढंग से आप इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, पहले आपने क्या किया, परिचय दिया, एक इंट्रो दिया फेमाइन का, थोड़ा रीजन बताया एक दो पॉइंट, और उसके बाद आपने यह भी बताया कि कॉलोनियल रूल औपनिवेशिक रूल में क्या हुआ, और यह कहकर आपने एग्जामिनर को यह समझा दिया कि हम लोगों ने आपके क्वेश्चन को समझ लिया। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और रीजंस बताएंगे, सेकेंड पार्ट हम लोग का रीजंस होगा। अच्छा, एक बार ध्यान रखिए, 150 शब्द में है, इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते हैं, आपको इससे थोड़ा कम ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट, उत्तर के सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट जो हम लोग का उत्तर होगा, ये रीजन है यानी कारण, और ये मेन पार्ट है या मेन बॉडी है आंसर का, रीजन। पहला रीजन जो आप देखेंगे वह है द पॉलिसीज, द पॉलिसीज रिलेटेड टू रूरल इंडिया, यानी वह नीति जो ग्रामीण भारत से जुड़ी हुई थी अंग्रेजों की, उसने क्या किया, फेमाइन को इंक्रीज किया, रिजल्टेड द फेमाइन इन इंडिया। ठीक है, यानी द पॉलिसी रिलेटेड टू रूरल इंडिया है ना, इंक्रीज द फेमाइन। कौन कौन से पॉलिसीज थे रूरल इंडिया के, तो आपको यहां पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ए एंड बी, दो पॉलिसीज थे अंग्रेजों के जो रूरल इंडिया से अटैच थे। पहला था उनका लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है, यानी भू राजस्व नीति, क्या था, भू राजस्व नीति, और दूसरा क्या था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण। आइए पहले में आते हैं, अंग्रेजों की ये जो दो पॉलिसीज थी उसका रिजल्ट क्या था, इसने फेमाइन को क्रिएट किया। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे हुआ। देखिए, आपको पता है कि अंग्रेजों ने भारत में 3 टाइप्स की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लाई, जमींदारी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट एंड महालवाड़ी सेटलमेंट।
यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इन तीनों को आप एलोबरेट करने में मत लग जाइएगा, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन का डिमांड भारत में अंग्रेजों के द्वारा डिप्लॉयड फॉरन रेवेन्यू पॉलिसीज नहीं था, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी नहीं है क्वेश्चन का डिमांड। क्वेश्चन का डिमांड है रीजन बिहाइंड द फेमाइन, व्हाई फेमाइन इंक्रीज ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी, है ना। तो क्वेश्चन का डिमांड यह है, इसलिए आप सिंपल ये बोलेंगे कि रूरल इंडिया से रिलेटेड पॉलिसीज ने फेमाइन को रिजल्ट किया। कौन सी पॉलिसीज? खासकर जो दो पॉलिसीज थी, एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इसके अंतर्गत इसके अंडर में तीन पॉलिसीज थी, और इन तीनों में क्या था, रेंट वॉज हाई, रेंट हाई था, यानी लगान की दर ऊंची थी। अब जब लगान की दर ऊंची होगी तो क्या होगा, फूड क्राइसिस होगा। अरे भाई, लगान की दर इतनी ऊंची थी कि जनता के पास कुछ बचा ही नहीं, तो इससे क्या हुआ, फूड क्राइसिस जनरेट हुआ, और इससे क्या हुआ, एट लास्ट फेमाइन के सिचुएशन क्रिएट हो गया भारत में। सेकेंड पॉइंट आइए जरा देखते हैं, सेकेंड पॉइंट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है, आपको पता ही है, कैश क्रॉप कल्टीवेशन। नकदी फसलों की खेती, नकदी फसल मतलब कैश क्रॉप कल्टीवेशन का मतलब, जैसे मान लो टोबैको, ओपम यानी अफीम, या मान लो इंडिगो यानी नील की खेती। तो ये लोग हम लोगों से, मतलब इंडियन से जबरदस्ती कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करवाते थे, या कहो एक तरह से कैश क्रॉप का कल्टीवेशन कराते थे ज्यादा। अब जिस देश में अधिकांश जनता, मैक्सिमम पीपुल्स फूड क्राइसिस से गुजर रहा है, और आप उस देश में फोर्सफुली कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करा रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे फूड क्राइसिस जनरेट होगा। देखिए एक बात जान लीजिए, मिडावल पीरियड में भी और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, कैश क्रॉप कल्टीवेशन होता था, नकदी फसलों की खेती होती थी, लेकिन वो हमारी मर्जी पर, हमें कितना करना है नहीं करना है ये था। लेकिन इन लोगों ने हमें फोर्सफुली क्या किया, हमसे कॉटन, टोबैको, ओपम, अफीम और इंडिगो एक्सेट्रा का खेती करवाया। अब जहां पर अधिकांश लोग फूड क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वहां पर ये क्या करेगा, ये इसका रिजल्ट यह होगा कि इससे भी फूड क्राइसिस जनरेट हो जाएगा, और इसका भी परिणाम क्या होगा, फेमाइन, भारत में फेमाइन आ जाएगा। तो ये दो कारण हुए जो इसके सब पॉइंट्स थे। मेजर पॉइंट यह था, पॉलिसीज रिलेटेड टू रूरल इंडिया, और उसके बाद इसमें दो पॉइंट थे, इसको आप एलोबरेट करेंगे बहुत कम शब्दों में, ठीक है, ज्यादा आप नहीं आगे बढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, सेकेंड पॉइंट यानी रीजन का सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है उनका ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी, उनका ट्रेड पॉलिसी भी रिजल्ट किया हमारे यहां पर फेमाइन लाने में। कैसे, जरा देखिए, उन्होंने एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया फूड ग्रेन्स का फ्रॉम इंडिया, यानी कि भारत से जो है निर्यात बढ़ा दिया फूड ग्रेन्स का, जैसे मान लो व्हीट, राइस, इसको बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, इससे भी फूड स्कार्सिटी जनरेट हो जाएगा, भारतीयों के पास कुछ बचेगा ही नहीं, और एट लास्ट क्या हो जाएगा, एट लास्ट यह भी फेमाइन से जुड़ेगा, यानी अकाल से जुड़ेगा, अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी। एक दूसरा पॉइंट भी है ट्रेड पॉलिसी, जरा देखा जाए, दूसरा पॉइंट क्या है, उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी आयात कर, यानी जो भी सामान वहां से आएगा, इंग्लैंड से आएगा या अदर कंट्रीज से आएगा, जो गुड्स मैन्युफैक्चर गुड्स वहां से आ रहे थे, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी क्या कर दिया, जीरो कर दिया, और हमारे यहां के निर्यात पर, एक्सपोर्ट, इंडियन गुड्स का एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया। मतलब जरा देखो, मतलब मान लेते हैं यह इंडिया है और यह इंग्लैंड है, तो यहां से जो माल यहां आएगा, मान लेते हैं सूती वस्त्र है, कॉटन या टेक्सटाइल है, अब यहां से यहां पर जो आ रहा है, तो जब कोई भी देश में कोई सामान जाता है तो टैक्स लगता है,
इन लोगों ने क्या किया, अपने सामान को यहाँ पर ड्यूटी फ्री कर दिया, मतलब 100 रुपए का सामान यहाँ पर 100 रुपए में मिलेगा। क्यों? क्योंकि टैरिफ टैक्स 0 है। लेकिन इंडिया का जैसे मान लेते हैं 100 रुपए का कोई सामान था, जब वो इंग्लैंड जाएगा तो इस पर बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज कर दिया गया, लगभग 400%। तो यानी क्या होगा, 100 रुपए का माल यहां पर कितने में बिकेगा, 400 में। मतलब हमारे एक्सपोर्ट पर उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स इंक्रीज कर दिया, हमारा माल अब बहुत महंगा हो गया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जरा समझो बात को, इससे क्या हुआ होगा, इसका इस पूरे फेनोमेना से क्या हुआ होगा, इन दोनों से क्या हुआ होगा, इन दोनों का रिजल्ट है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जो इंडियन भारतीय हस्तशिल्प उद्योग थे उनका विनाश हो गया। जब विनाश हुआ वो खत्म हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए, उससे क्या हुआ, बेरोजगारी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके बाद क्या हुआ, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर ऑफ इंडियंस खत्म हो गया, वो सामान खरीद ही नहीं सकते हैं, खाने का भी नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फूड क्राइसिस होगा और अंत तक वह फेमाइन आएगा, है ना। तो आपने यह भी देखा, कैसे देखा, कि जो इनकी ट्रेड पॉलिसी का जो सेकेंड एस्पेक्ट था, यानी ये पहला एस्पेक्ट तो ये था कि ये क्या कहता है, पहला एस्पेक्ट क्या था आपने देखा, पहला एस्पेक्ट था ये जो एक्सपोर्ट कर रहे थे फूड ग्रेन्स को, उससे हमारे यहाँ फूड क्राइसिस हुआ और फेमाइन आया, ये फर्स्ट एस्पेक्ट था। सेकेंड एस्पेक्ट का ट्रेड पॉलिसी क्या था, वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा कर दिया गया है 400%, और इम्पोर्ट टैक्स 0 कर दिया गया। इससे क्या हुआ, एक हार्ड कंपटीशन जनरेट हुआ, अरे भैया मुझे यदि महंगा सामान मिलेगा तो मैं क्यों लूंगा आपका। तो इससे क्या हुआ, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए, और इसके समाप्ति के बाद क्या हुआ, बेरोजगारी फैली, अनएम्प्लॉयमेंट फैला, परचेसिंग पावर ऑफ द इंडियंस खत्म होता चला गया, और एट लास्ट क्या हुआ, उन लोगों में फूड क्राइसिस जनरेट हुआ, परचेसिंग पावर खत्म हो गया, फूड क्राइसिस हुआ, और एट लास्ट फेमाइन आया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट और भी हम लोग लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट, रेलवे। रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने भी वही काम किया जो इससे पहले उनका ट्रेड पॉलिसी था, उसको इसने सपोर्ट किया। क्या सपोर्ट किया, जरा समझो। पहला पॉइंट रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने रूरल एरिया से भी क्या किया, वीट और राइस को कहां तक पहुंचा दिया, इंग्लैंड तक पहुंचा दिया। जैसे जैसे रेलवे का इनहेंसमेंट हुआ, जैसे जैसे रेलवे बढ़ा, वैसे वैसे क्या हुआ, उनका एक्सपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा। जैसे जैसे रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, उनका एक्सपोर्ट बढ़ा, खासकर रूरल इंडिया तक से उन्होंने वीट और राइस तक को उठाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इंग्लैंड पहुंचता गया। इसका परिणाम क्या होगा, वाजिब है, फूड क्राइसिस एंड फेमाइन, अकाल। दूसरा एक और पॉइंट है, सेकेंड एस्पेक्ट इसका हम लोग बी कह सकते हैं, ये ए। सेकेंड एस्पेक्ट इसका यह भी होता है कि रेलवे का भी एक बहुत मेजर रोल है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के डाउनफॉल में। ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा, अब जो उनका तैयार माल है जो अभी तक केवल कुछ जगहों पर जाता था, अब उनका मैन्युफैक्चर गुड रूरल इंडिया तक जाएगा। रेलवे क्या करेगा, उनके मैन्युफैक्चर गुड्स को अब रूरल इंडिया तक पहुंचा देगा, और वहां पर भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगी। यानी क्या होगा, विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन रूरल इंडिया ऑल्सो कोलैप्स्ड। इससे वाजिब बात है अनएम्प्लॉयमेंट होगा। फिर मैंने आपसे कह दिया परचेजिंग पावर रूरल इंडिया का भी खत्म हो जाएगा और फेमाइन आएगा। तो एक दूसरा पॉइंट यह भी था, रेलवे का जैसे से प्रसार हुआ, एक्सपोर्ट भी बढ़ा फूड ग्रेन्स का, और स्कार्सिटी जनरेट हुआ रेलवे के प्रसार से। और एक पॉइंट क्या हुआ, एक्सपेंशन से रूरल इंडिया तक का क्या हुआ,
जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो भी समाप्त हो गया, और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया, परचेसिंग पावर और खत्म होता चला गया, और इसने भी फेमाइन को रिजल्ट किया। यह था हम लोगों का थर्ड पॉइंट। अब है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आप देखें, फोर्थ पॉइंट में क्या हुआ जरा समझा जाए। फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा असल में कोई भी विद्यार्थी या कोई भी टीचर यहीं तक बता करके छोड़ देता, लेकिन मेरा मानना है ये अधूरा उत्तर है, अभी पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जरा समझिए बात। जैसे मान लेते हैं कि इन्होंने वेरियस, या ऐसे कहा जाए ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ब्रिटिशर्स इन इंडिया टाइम टू टाइम एस्टैब्लिश्ड फेमाइन कमीशन। ब्रिटिशर्स ने फेमाइन को कम करने के लिए टाइम टू टाइम क्या हुआ, कोई ना कोई फेमाइन कमीशन, अकाल आयोग की स्थापना की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैंपबेल कमीशन है ना, 1866 कैंपबेल कमीशन, जैसे स्ट्रेची कमीशन, जैसे मान लेते हैं लायल कमीशन 1896, जैसे मैकडोनाल्ड कमीशन 1900। तो वन थिंग वाज मोर देयर, एक चीज और भी था कि टाइम टू टाइम ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड कमिटीज, इसके बाद भी हुई है, इससे ना और भी बहुत सारी हुई है टाइम टू टाइम, बट हुआ क्या, ऑल रिमेन इनइफेक्टिव एंड मीनिंगलेस। लेकिन सभी क्या रहा, सभी अप्रभावित और अर्थहीन बने रहे, बिकॉज क्योंकि इट वॉज डन बाय इंपीरियल माइंडसेट। ये औपनिवेशिक मन स्थिति के द्वारा बना रहा था, क्योंकि यदि इसमें से कोई भी एक कमीशन सही से काम किया होता तो शायद फेमाइन को रोका जा सकता था। लेकिन इतनी कमिटी बनाने के बाद भी क्या हुआ, फेमाइन आया। क्यों आया, बिकॉज ऑल फेल रहा। ऑल क्या रहा, फेल रहा क्योंकि सभी इनइफेक्टिव एंड मीनिंगलेस बने रहे, बिकॉज ऑल वेर कंडक्टेड बाय द सेम इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट। व्हाई, बिकॉज यू नो दैट ब्रिटिश रूल वॉज द इंपीरियलिस्टिक रूल, एंड इन दिस सेंस देयर कैरेक्टर टू वॉज इंपीरियलिस्टिक, एंड विद दिस सेम इंपीरियलिस्टिक कैरेक्टर देयर पॉलिसीज वेर इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड। बेसिकली क्या कहा जा सकता है, ब्रिटेन क्या था, एक औपनिवेशिक सत्ता थी, इस कारण उसका चरित्र भी औपनिवेशिक था, और इसी परिणाम स्वरूप उसकी नीतियां भी उसी औपनिवेशिक चरित्र से प्रेरित और प्रभावित थी। तो आंसर जब आप लिखें तो इसको जरूर आप यहां तक लिख करके इसके बाद आप कंक्लूजन डाल सकते हैं, और कंक्लूजन में आप ये बात कह सकते हैं कि फेमाइन इसलिए फेमाइन बढ़ा, इसको आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं कि बेसिकली ब्रिटिश रूल वॉज द इंपीरियलिस्टिक रूल, है ना। एंड इन दैट परस्पेक्टिव देयर पॉलिसीज ऑल्सो
वाज इम्पलिस्टिक इन नेचर, है ना। इस आप इसमें से लिख सकते हैं कि ब्रिटिश रूल बेसिकली क्या था, एक औपनिवेशिक शासन था, और इस परिपेक्ष में उनकी नीतियां भी क्या रही, औपनिवेशिक चरित्र की रही नीतियां, एंड विच रिजल्टेड या विच एक्सलरेटेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइन इन इंडिया, जिसने भारत में दुर्भिक्ष की बारंबारता को बढ़ा दिया। तो इस ढंग से आप कंक्लूजन कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहां पर ध्यान रखेंगे, एक बार भैया था कि पहले हम लोग रीजन लिखेंगे, मेन पॉटी में मेन पॉइंट यहां पर आएगा। पहला है पॉलिसी रिलेटेड टू रूरल इंडिया, यानी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और कैसे ये जुड़ा फूड क्राइसिस से और एट लास्ट फेमाइन से जुड़ गया। सेकेंड में आप बताएंगे ट्रेड पॉलिसीज, एक्सपोर्ट किया उन्होंने वीट और फूड ग्रेन्स को, फूड क्राइसिस हुआ, साथ ही साथ उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज में अपने गुड्स पर उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी जीरो कर दिया और भारतीय गुड्स के एक्सपोर्ट पर उन्होंने हाई कर दिया। इससे क्या हुआ, इंडियन ट्रेड या इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गए, बेरोजगारी फैली और एट लास्ट परचेसिंग पावर ऑफ द इंडिया खत्म होता चला गया और इससे भी फेमाइन बढ़ा। थर्ड पॉइंट है रेलवे। रेलवे ने भी वही काम किया जो ट्रेड पॉलिसीज ने किया, रेलवे ने और तेज कर दिया एक्सपोर्ट को, और साथ ही साथ उनकी जो वो कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को कोलैप्स अपने ट्रेड पॉलिसीज से, उसको भी इसने क्या किया, एक्सेलरेट किया, और यह भी जुड़ गया किससे, परचेसिंग पावर से खत्म होने से, और क्या हुआ, फेमाइन आया। क्योंकि जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप सामान क्या खरीदेंगे, यदि महंगाई बढ़ चुकी है तो आप ऐसे भी भूखे मरिएगा अंतर्गत, और आपके पास है नहीं पैसा। लास्ट है, इसको जरूर लिखें कि ठीक है उन लोगों ने कई फेमाइन कमीशंस को लाया टाइम टू टाइम, कुछ आप एक दो एग्जांपल दे दें, बट ऑल रिमेन इनएफेक्टिव एंड मीनिंगलेस बिकॉज ऑल वाज इंस्पायर्ड बाय द या ऑल वर डन बाय द इंपलिस्टिक ऑल वर डन बाय इंपलिस्टिक माइंडसेट या इंस्पायर्ड बाय द इंपलिस्टिक माइंडसेट। कंक्लूजन में भी आप उसी ढंग की बातें कहेंगे, बेसिकली आप यहां पर कर सकते हैं, बेसिकली ब्रिटिश रूल वाज इंपलिस्टिक रूल एंड इन दैट परस्पेक्टिव देयर पॉलिसीज आल्सो वाज इंपलिस्टिक इन नेचर व्हिच एक्सेलरेटेड फेमाइन इन इंडिया, है ना। इस ढंग से आप लिख करके इसको कंक्लूड कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने आपसे कहा, इसको भी ध्यान में रखेंगे, वो यह है कि शुरुआत में मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में कहा था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आज यहीं तक रखते हैं इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार। हो गया, नहीं नहीं बंद नहीं किया, बंद कर दो।